व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। हॉरर मूवी याद है एनिमल क्रिएशन जो आई थी? ओ भाई साहब, अलग ही नेक्स्ट लेवल मूवी थी। तो उसको योगी बाबा के चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है एनिमल क्रिएशन इन नटशेल। तो मजा आने वाला है, जिस तरीके से एक्सप्लेन करते ना मजा आता है। और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। और योगी बाबा के चैनल से और किन वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हैं जरूर कमेंट कर देना। आपको एनिमल कैसी लगी थी? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है, ये भाई साहब आधी पिक्चर में भाग गई थी हॉल में से, है ना? शट अप, जल्दी बता। शट अप, शट अप, शुरू करें? शट अप नहीं कर रहे, अब बोल। अब आई लाइन पे तो भाई, ये गेमिंग चैनल भी रात को 10:15 लाइव स्ट्रीम करते हैं। 1 2 3 योगी बाबा। तो कहानी शुरू होती है एक कलाकार आदमी से जो बना रहा है गुड़िया, असली पापी गुड़िया, ओजी और ओपी, अरे जैसे योगी बाबा। एंटरटेनमेंट विदाउट एनी फीस, गली गली चिमुंडे करण मेरी रीस। लेकिन ये अपनी कला में इतना लीन है कि ये भूल जाता है कि भाई गुड़िया क्यूट दिखनी चाहिए, क्रीपी नहीं। बट हू केयर्स, कि तभी कोई इसके दरवाजे के नीचे से पर्ची घुसा के जाता है जिस पे लिखा है, ढूंढ के दिखा भैण के खिलौने। इस पर्ची को भी याद रखना, जल्द ही मैं वाइवा लेने वाला हूँ, वेरी सून बालको, वेरी सून, तब काम आएगा। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। anyway, तो कलाकार अंकल जाते हैं अपनी आलिशान कुटिया में और जाके पर्ची फरोश लौंडिया जो इनकी बेटी है उसको नंगे हाथ पकड़ता है। क्या, क्यों पकड़ता है? अबे कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि नहीं मूवी का? जो ये चाहिए। हाँ जी, तो अगले दिन अंकल जी सह परिवार जाते हैं चर्च बिकॉज इट्स संडे। लेकिन वापस घर जाते जाते हो जाता है गाड़ी का टायर फ्लैट, जैसे टायर ना हुआ अर्थ हो गया है। ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करें। तो अंकल जी लगते हैं DIY करने। मीनवाइल पीछे से आती है दूसरी गाड़ी और अंकल जी का स्क्रू निकल के गिरता है रोड पे। लेकिन लाइक आई ऑलवेज से, बच्चे क्या होते हैं? चूतिए, एक नंबर के चूतिए। तो ये पर्ची फरोश चूतिया भागती है स्क्रू उठाने एंड खत्म। उसे क्या पता था कि इस स्क्रू के चक्कर में उसका ही स्क्रू गायब हो जाएगा। बस में 12 साल बाद वहाँ आती है एक बस जिसमें भरी है लड़कियाँ। ज्यादा दिमाग मत चलाओ। पिंकी, पुष्पा, विमला, सूर्या, रुक्मिणी, रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। You know what? I'll do one better. लौंडिया 1, लौंडिया 2, लौंडिया 3, लौंडिया 4, लौंडिया 5, लौंडिया 6 और इन सब की सुपरवाइजर सिस्टर दीदी। बिकॉज व्हेन यू आर अ सिस्टर दीदी एवरीथिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और ये लोग जाते हैं 50 कोस दूर मूवी के स्टार्ट में देखी हुई हवेली में। भाई इतना दूर तो रुद्राक्ष में संजय दत्त को भी नहीं जाना पड़ा होगा। बड़े नहीं वे। तो यहाँ पहुँच के कलाकार अंकल इनको देते हैं अपना हाउस टूर। ये तुम इधर रहने का, आजा संडास दिखाता हूँ। संडास बताते हैं कि मूवी की लीड लौंडिया जो पोलियो की शिकार है और बिना लाठी के चल नहीं सकती, उसको सीढ़ियाँ चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बिकॉज वी गॉट अ नाइस एस चेयर टू डू द वर्क डूड। लेकिन देख 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 अंधे के हम लोग देख रहे ना। अरे बेटी पुष्पा, वाह, अरे वाह गुड़िया 14 आदमी, वाह, घर में भूत है, साबुत का साबुत। लेकिन अंकल को क्या करना है, घर पे जवान जवान लौंडिया बुलवानी है। साबुत का साबुत। तो सारी लौंडिया जाती हैं अपना अपना पलंग सेलेक्ट करती हैं। लेकिन इस पोलियो वाली की क्यूरियोसिटी अलग है, शी वॉन्ट्स टू चेक आउट द फॉरबिडन रूम। तभी अंकल जी आके इसको खबरदार करते हैं कि वो कमरे को देखने का नहीं, वो कमरा बंद ही रहने का, तो समझा ना। तो रात में ये सारे डिनर के लिए बैठते हैं तो पता चलता है कि कलाकार अंकल की पर्सनल बीवी चल फिर नहीं सकती, तो वो इस कमरे में रहती है और बस घंटी बजा बजा के कम्युनिकेट करती है, यू नो। अच्छा घंटी बजा रहा है। तो ये सारे डिनर करके सोने जाते हैं। लेकिन like I always say, बच्चे चूतिए होते हैं और भूतों की चूतियागिरी कभी रुकती नहीं। तो रात के अंधेरे में कोई हराम ज्यादा इसके दरवाजे के नीचे पर्ची छोड़ के जाता है जिस पे लिखा है, ढूंढ के दिखा लगड़ी। तो ये लंगड़ी मेरा मतलब ये पोलियो की मरीज जाती है पर्ची वाले को ढूंढने। एंड गेस व्हाट, मैडम जी जाती है बगल वाले कमरे में जो अंकल जी ने लॉक कर रखा है। क्यों मालूम नहीं तेरे को, लेकिन कमरे में तो कोई नहीं है। तो अब जब कोई नहीं है तो वापस जाके सो ही जाती। लेकिन नहीं, मैडम जी को कर रही है तहकीकात। ACP प्रद्युमन बनेंगे भाई चोर। और तहकीकात में इसके हाथ लगती है एक चाबी। तो अब क्यूरियोसिटी इतनी है कि भाई बकचोदी तो करनी पड़ेगी। तो ये जाके उस चाबी से दरवाजा भी खोल देती है। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। फिर तुम जैसों की वजह से दुनिया वालों को शांति नहीं होती। बट हू केयर्स, तो गेस व्हाट, कमरे में कौन है? अन्ना बेले। का हुआ, दरवाजा काहे बंद कर दिया भाई? अरे खोलो। अच्छा नहीं खोलोगे? तो थक गई भाई साहब। अब कहा हुआ, अरे कहा गई क्यूरियोसिटी? अच्छा कपड़े से ढकोगे? अरे रुको तुमको बताते हैं साला। तभी इसको देखते हैं कलाकार अंकल जिन्होंने इसको बकचोदी करते हुए देख लिया। लेकिन पीछे देखो, पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अपनी अपनी मैथ्स की आड़ी शर्मा निकाल लो क्योंकि इसकी फटके चार। तो अगले दिन बेचारी सिस्टर दीदी को बताने जाती है कि भैया हम कल भूत देखे, लेकिन सिस्टर दीदी को तो कुछ सुनना ही नहीं है। मैं बच्चों की बात ही नहीं सुनी तो क्या मतलब है ऑर्फनेज का है? तो क्या करूं? OLX.in पे बेच दी। ये इसको बोलती है, अरे एक तो ये लोग हमको इधर रख के कृपा बरसा रहे हैं, ऊपर से तू भूत देखा बोल के बकचोदी करेगी तो कैसे चलेगा? अभी उंगली किया ना तू भूत को, तो सह लेना थोड़ा। ठीक। तो इस बार रात में बैठती है लौंडिया 1 और 2 बकचोदी करने के लिए। तो चद्दर में घुस के कलाकार अंकल की पर्सनल बीवी की पिचिंग शुरू कि तभी इन्हें आती है एक आवाज। अबे साले। फिर इन्हें दिखती है खुद आंटी जो अपने हाथ पे छींक के गीला हाथ इसके मुंह पे लाके भाग जाती है। लेकिन बाकी सबके हिसाब से तो भूत भूत कुछ होता ही नहीं है, तो सब लोग इनको चूतिया बोल के सो जाते हैं। लेकिन भैया भूत को अभी और मजे लेने हैं। तो कट्टू अगली रात ये मैडम सोने जा रही होती है कि इनको फिर से होती है खुजली, बगल वाले कमरे में जाने की। और पीछे पीछे आती है इसकी बेस्टी जो इसको बोलती है, अबे पोलियो से टांग खराब हुई है, दिमाग का तो इस्तेमाल कर, चल यहाँ से। ये लड़की समझदार है, लेकिन इसको अगेन एसीपी प्रद्युमन बनना है। तो तहकीकात करके इसे फाइनली मिलती है कलाकार अंकल की चूतिया बेटी। तो ये पूछती है, क्यों आई है? काम करना और करो बकचोदी। तो भैया अब इसकी फटके सीधा 32। तो ये भागती है अपनी पोलियो वाली टांग लेके। तो मैडम जी कुर्सी पकड़ के भागने लगती हैं, लेकिन आज भूत मूड में ब्रो, तो बूम लौंडिया गायब। एंड मार दिया क्या तुम? पता नहीं। बस फिर अगले दिन मैडम जी व्हील चेयर पे। और करो गाड़ मस्ती, नहीं कर लो यार, कर लो। मित्रों टेक सम नोट्स, प्लीज टेक सम नोट्स। तो अब ये बेचारी फिर से सिस्टर दीदी को बताती है कि भैया इस घर में झोल है ब्रो, सब मर जाएंगे, सिर्फ अन्ना बेल्ले बचेगी ब्रो। लेकिन सिस्टर दीदी स्टिल डजंट गिव अ फक बिकॉज एवरीथिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और ये कलाकार अंकल भी अपनी बीवी को बताते हैं कि देखो बच्ची गिरी नहीं है, उसको फेंका गया है। लेकिन नैनानू भर की नहीं पहनता। शी इज लाइक, अरे तेरे को क्या करने का है, तू चिल मार और मरने का वेट कर। अच्छा बंटी तो चूतिया है। तो अब लौंडिया 6 इज लाइक माय टर्न। तो ये झांक के देखती है फॉरबिडन रूम के अंदर और इसे दिखती है अपनी पापी गुड़िया। दरवाजा खोलती है तो बूम गायब। क्यों हिला डाला ना? तो ये मोहतरमा सेल्फ डिफेंस 101 करने के लिए अपने साथ बंदूक लेके बैठती है गोटी वाली। लेकिन भूत को गोटियां ही तो सबसे ज्यादा पसंद है ब्रो। तो वो आके लेता इसको आड़े में और इसकी फटके अब तक 56। तो अगली सुबह व्हील चेयर वाली लौंडिया आंगन में बैठ के विटामिन डी ले रही होती है कि तभी पीछे से आती है फर्जी सिस्टर दीदी और लेके जाती है इसको बाजू वाली कुटिया में। और ये धोबी मचा आए आए आए। और यहाँ पे अंदर कलाकार अंकल की बेटी बैठी है जो भाग के आती है और इसके मुंह में गंदा सा चिपचिपा काला 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 खट्टा भर देती है। लेकिन सरप्राइजिंगली मोहतरमा तो बिल्कुल ठीक है, झूठ बोलती है साली। तो अगले दिन लौंडिया 6 जाके कलाकार अंकल को बताती है कि चचा चचा, अरे पोलियो पीड़ित लौंडिया आपके फॉरबिडन कमरे में घुसी थी और तो और आपकी आरएपी इन पीस हो चुकी बेटी को भी देखा। तो ये सुन के अंकल जी झन्ना जाते हैं बिल्कुल और जाते हैं पापी गुड़िया से इस चुतियापे का जवाब मांगने। लेकिन जवाब में मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची, टूटी उंगलियां और इवेंचुअली मर गया मादर। तो इस सारे चुतियापे से परेशान रात के अंधेरे में लौंडिया 6 अपनी विदेशी पापी गुड़िया को लेके निकलती है खेतों में। क्या? अबे नहीं बे, हल्का होने नहीं यार, बाहर गांव में सबके घर पे बाथरूम होता है, ठीक है? ऊपर से हाथ में देख, उसके पानी का लोटा नहीं है भाई, अंगार भरी लालटेन साले, करने के बाद क्या जलाएगी क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या? हाँ जी। तो ये लेके जाती है पापी गुड़िया को कुएं में फेंकने और पीछे पीछे साथ में आती है सिस्टर दीदी बिकॉज एडल्ट सुपरविजन इज नेसेसरी। लेकिन कुएं में तो उल्टा अन्ना बेल्ले इसको खींचने लग जाती है एंड दैट्स व्हेन दे रियलाइज दैट द शिट हैज गॉन too far aur inki fatke 58। ये तो मुद्दे लगा साला। तो ये जाते हैं भाग भाग के घर के अंदर गांठपट्टी में और जाके पोलियो वाली लौंडिया को उठाते हैं। लेकिन सरप्राइज मदरफकर। तो अब ढूंढो लौंडिया को भाई। मीनवाइल सिस्टर दीदी जाती है अन्ना बेले लेके मिसेस कलाकार के पास जिनकी गुड़िया दे के फटके 216। हिस्सा बराबर यार, उनके पास 12 साल से थी ना, सो यू डू द मैथ यार, यू डू द मैथ। तो सिस्टर दीदी पूछती है, लड़े लोग क्या चल रहा है इधर, चलो गिफ्ट फ्रॉम गॉड बोल के बुलाया भाई, चौदह अभी इधर गांठ पाड़ रहे तुम लोग। शी इज लाइक, अरे गुस्सा का के होती है बताती है ना मैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी बेटी के आरपीन पीस होने के बाद। बोले तो हम बौखला गए थे तो हम थोड़ा उल्टा काम करके टपकली लड़की से बात करने का इंतजाम भी किए, बकायदा उसका रिटर्न रिक्वेस्ट देख के उसको पापी गुड़िया में ट्रांसफर भी किए HDMI लगा के। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला लड़की के नाम पे घर में डेविल डेविल, सही सही फोटो दिखाओ ना भैया, डेविल आ गया है। और जैसे ही उसको पता चला कि हम लोग योगी बाबा के वीडियो बिना सब्सक्राइब किए देखते और अभी तक उनका मर्च कलेक्शन चेकआउट नहीं किए तो साला हमारी मौत होती। क्या
कैसे? अरे कि हमें नाखून भोग दिया हराम ज्यादा आंख ले गया साबुत का साबुत, तो हम साला गुड़िया का गला पकड़ के उस पे झाड़ फूंक करके कमरे में बंद कर दिए और बोले दुर्गाष्टमी के दिन आना, अभी यहां से निकल। हम सोचे कुछ अनाथ बच्चे लोग को सहारा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। एंड दैट्स हाउ अनाबेले वाज क्रिएटेड। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ए लड़िया, बच्चों को चूतिया बना रहा साला, नट चल खत्म करके जा। भाई साहब जरा तमीज से बात कर लो यार, हॉरर मूवी है, हमारी भी फटती है। हाँ जी, तो ये सारी लौंडियाँ पोलियो पीड़ित को ढूंढते हुए पहुंचते हैं फॉरबिडन रूम में, जहाँ पता चलता है कि इसका पोलियो तो ठीक हो गया। हालेलुया। तो टांग ठीक होते ही आता है इसको एटीट्यूड और इनको सीधा रामपुरी मारती है, तो इनकी फटके 101 तो अब सिस्टर दे दी जाती है फॉर द रेस्क्यू। लेकिन ये तो सीधा बट सिंस भूत को जवान लोग ज्यादा पसंद है, तो अब इसकी बारी। तो ये मैडम बचने के लिए घुसती है इस मैनुअल लिफ्ट के अंदर, लेकिन नीचे तो दूसरा भूत वेट कर रहा है। अब बेटा तुमको चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो बिना दवाई के पोलियो ठीक करने वाली लौंडिया इसको पकड़ के बस पेलने जा रही होती है कि तभी वहाँ आती है सिस्टर दीदी और इसके गले में यीशु मसीह की मांस डाल के अन्ना बेले वाले कमरे में बंद करके भाग। लेकिन अपनी अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पोलियो पीड़ित लौंडिया इस हवेली का जनरेटर बन जाती है और इतनी बिजली फेंकती है कि बकायदा सारे बल्ब फट जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि मैडम जी ने कमरे में छेद भी कर दिया और भाग गई कमी नहीं। बस फिर अब क्या करेंगे, ये लोग अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के कट लेते हैं कहीं और जाने के लिए। और इस तरफ किसी नए ऑर्फनेज में मिलती है हमारी पोलियो पीड़ित लौंडिया, जिसका हो गया अडॉप्शन। और करेक्ट 12 साल बाद मैडम जी जाके अपने स्टेप डैडी स्टेप मॉमी अरबीन पीस को लेती है। एंड गेस व्हाट, ये पोलियो पीड़ित रहती कहाँ है, अन्ना बेले वाली आंटी के पड़ोस में। फाइनली मूवी खत्म। इस मूवी का नाम अन्ना बल्ले क्रिएशन की जगह। क्या आपके पास बड़ा घर है? क्या आपके घर में जानलेवा भूत है? बस साइन अप फॉर फैम, टर्न इट इनटू एन ऑर्फनेज बिच। होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। सच में ज्यादा सेंस बनता यार। एंड देन अगेन, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर देना। कैसी लगी एना बल्ले? हाँ, एना बल्ले मतलब अगर कई लोग ऐसे होते जो डर के मारे मूवी देखते नहीं है, मेरे जैसे, मतलब मैं देख लेती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा डरती हूँ। उसके बाद अपना डर निकालने के लिए आप देखो, पहले आप मूवी देख लो, डर जाओ, खूब डर जाओ, आप सोचो कि भाई साहब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। उसके बाद फिर आते योगी बाबा, फिर उनकी वीडियो देख लो, आपका जो थोड़ा बहुत भी डर था ना, जो मूवी देख के आपके डर रहता है, फिर आपको डर निकल जाए। तो आपने मूवी भी इंजॉय कर ली और फिर डर भी भगा दिया भाई। छू मंतर हो गया डर, योगी बाबा अमेजिंग। मेरे को पहले लग रहा था कि पता नहीं क्या एकदम से डरावना होगा ये वो, पर मजा आ गया। पहली बार योगी बाबा की वीडियो देखी, भाई साहब स्वाद आ गया, मजा आ गया। मतलब जो माहौल क्रिएट किया था, जैसे वो जा रही है अपनी साइड वाली कुटिया में जा रही है, वो था ना एनाबल्ले हो गया, एनाबल्ले, और वहाँ पर लौंडिया बैठी हुई विटामिन डी ले रही है। नहीं पहले पुराने नाम, अच्छा आई थिंक लौंडिया 1 लौंडिया 2 लौंडिया 3, ये मस्त था। प्लस वो देखना वो जो सीन भागम भाग के लगाए, वेलकम के लगाए हुए थे, हेरा फेरी के लगाए हुए थे, खतरनाक लड़के एक वो मिरेकल मस्त बना था, मस्त वीडियो बनाई थी भाई ने। प्लस जो आवाज है ना, वो चुलबुली सी आवाज जो है, जो हंसी वाली आवाज है, और जो कमेंट्री है बीच में, जो बंदा सा वो लगा रखा था ना एक एनिमेटेड वाला वॉइस है, और हंसी बड़ी आती है जो वो जो पंच लाइन है ना, मतलब कि हॉरर मूवी चुल मची दीदी को, फिर प्रद्युमन बनना नहीं शक्तिमान बनना है, अभी करके दिखाएंगे ये करके दिखाए वो भाई पूरा माहौल बनाया था। और भाई ऐसी ही मूवीज, ऐसी ही बहुत सारी मूवीज की और भाई ने पूरा इन्हें नटशेल बनाया हुआ है, तो आप इंजॉय कर सकते हो, स्टोरी पता लगती है। हाँ, दोबारा से इंजॉय कर पाते मूवी, और एक नए तरीके से नए तरीके से इंजॉय, बहुत नया सा वो था, ये माहौल ही अलग हो गया भाई। मैंने कभी नहीं सोचा था एनाबेल को देख के ऐसे हंसी आएगी सही। भाई योगी बाबा भाई मजा दिला दिया, मैं तो समा बांध दिया इस वीडियो के थ्रू। तो यार गाइज आपको भी आई एम श्योर मजा आया होगा, तो एक बार योगी बाबा वो भी हो जाए भाई यार एक बार। लाइक तो बनता है, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब बनता है, और किन वीडियोस पे आप चाहते हो रिएक्शन वो क्या करना है दोस्त, कमेंट करना है, क्योंकि योगी बाबा भाई के वीडियो पे तो हम लाएंगे रिएक्शन। हाँ। मजा आने लग गया, तो सही सही स्वाद था, एक नंबर था। और हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहता था कि जैसे एनाबेल है ये मूवी हो गई, और क्या बोलते हैं जैसे कॉन्जोरिंग हो गई, इनकी वाइब्स ही अलग थी है ना। कॉन्जोरिंग का पहला पार्ट और ये एनाबेल वाली, ये भाई साहब खतरनाक थी मेरे हिसाब से। बाकी पार्ट भी कॉन्जोरिंग ठीक थे, लेकिन इतने ड्रामे थे। तो मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।